अभी बज रहा है 8:30 और अनुष्का का मैंने ऑटो फिर से लगा दिया है, तो ऑटो से जाएगी वो और उसको छोड़ने का एक काम खत्म हुआ मेरा। लेकिन उसको ट्यूशन जो जाना है ना, वो अब मुझे ऑनलाइन खत्म हो गई है, ऑफलाइन शुरू हो गई है, तो मुझे शाम को उसको अब ट्यूशन का काम बढ़ गया है। तो बस आप लोग सब कैसे हैं बता दीजिएगा। मैं तो बहुत अच्छी हूँ। और कपड़े जो मेरे कल रह गए थे वॉशिंग मशीन में धोने के लिए, वो आज मैं धोऊंगी, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हैं इसलिए मैं वॉशिंग मशीन लगाऊंगी, तो कपड़े धुलते रहेंगे, काम करती रहूंगी। और भी बहुत सारे काम हैं जिनके लिए मुझे बाहर जाना पड़ता है। अभी सिर्फ काव्या बची हुई है तो अभी स्कूल नहीं जा रही है, नहीं तो उसका लगता है 8:30 स्कूल, तो फिर उसको भी छोड़ने जाना पड़ता मुझे। लेकिन अभी मैं थोड़ा सेफ हूँ उससे। तो बस आप लोग को ब्लॉग अच्छे लगते हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी न्यू आ रहा है सबसे रिक्वेस्ट करूँगी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन रहता है उसको क्लिक कर लीजिएगा, ताकि नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। तो बस फटाफट करते हैं काम। तो बस मैं मशीन में कपड़े लगा देती हूँ। आज बहुत सारे काम हैं, मुझे हॉस्पिटल भी जाना है, फिर अनुष्का को, चलो ऑटो तो मैंने लगा दिया है लेकिन उसको है ना कोचिंग छोड़ने भी जाना पड़ेगा शाम को। बहुत सारे काम रहते हैं एक हाउसवाइफ को भी घर में। तो बस यहाँ पर फटाफट मैं मशीन लगा देती हूँ और साड़ी के बाद मैं ब्लैंकेट धोऊंगी, तो दो ब्लैंकेट धोना है मुझे, वो ज़्यादा यूज़ में भी नहीं आ रहे हैं तो मैंने सोचा उनको धो के रख देती हूँ। और ठंड तो काफ़ी ज़्यादा है लेकिन फिर भी वो मतलब फालतू के पड़े हैं, गंदे हो रहे हैं, तो मैंने कहा उनको धो के अच्छे से और कवर अवर चढ़ा के रख दूंगी। तो पहले साड़ियाँ धो लेती हूँ मैं, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। इन्जॉय करिए ब्लॉग को, अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक शेयर, और चैनल पर जो भी न्यू आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर मेरी सारी साड़ियाँ धुल गई है। पहले आपने देखा है मैंने साड़ियों को किस तरह से वॉशिंग मशीन में डाला है, क्योंकि अधिकतर ये प्रॉब्लम रहती है, हम वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं ना तो सारे कपड़े क्या एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, गुटमुट हो जाते हैं, एक दूसरे में लपेट जाते हैं। तो यहाँ पर पहले मैंने साड़ियाँ डाल दी सब धोने के लिए और साड़ियों को बिल्कुल सीधे सीधे एक साथ मतलब एक एक करके डाला था। उसके बाद मैंने सूखने के लिए भी उसी तरह से डाल दिया था, तो वो साड़ियाँ मुझे ईजीली रही निकालना। और उसके बाद मैंने दूसरे कपड़े डाल दिए छोटे छोटे, तो इस तरह से कपड़े डाल देते ना तो इजीली निकल जाते हैं, एक दूसरे में साड़ियाँ लपटती नहीं हैं। तो इस ट्रिक को आप एक बार ज़रूर यूज़ करिएगा, अगर करते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो यहाँ बस मैं साड़ियाँ सुखा देती हूँ। सबसे पहले मैं साड़ियाँ सुखाऊंगी, इनके ऊपर भी मैं छोटे कपड़े सुखा दूंगी, क्योंकि मेरे यहाँ पर ज़्यादा जगह नहीं है इसलिए मुझे इस तरह से कपड़े सुखाना पड़ता है। तो ये देखिए साड़ियाँ सुखा दी मैंने, इनके ऊपर भी मैं छोटे छोटे कपड़े सुखा दूंगी, तो फिर वो सारे कपड़े क्या सूख जाएंगे ईजिली। लेकिन जो ब्लैंकेट है उनको तो मुझे ऊपर छत पर सुखा के आना पड़ेगा, यहाँ पर जगह नहीं है और गली में भी मैं सुखा नहीं सकती क्योंकि जाना लगा रहता सब लोगों का, तो फिर वो एक दूसरे से टकरा के इकट्ठे हो जाते हैं कपड़े, तो इसलिए उनको मैं ऊपर छत पे ही सुखा के आऊँगी। और यहाँ पर मैंने जो चूल्हा लिपा था ना, ये देखिए ये बहुत ही इजीली साड़ियाँ सब सूख गई हैं। और यहाँ पर जो मैंने चूल्हा लिपा था, तो देखिए चूल्हा कितना अच्छा दिख रहा है मेरा। और दीदी आ गए थे तो दीदी मतलब दीदी से मैं बात करती जा रही हूँ और काम करती जा रही हूँ, तो हॉस्पिटल जाना उनको, तो उसी का पूछ रहे थे कितने बजे जाना है। तो यहाँ पर ये कोयला निकाल के रखा था, इसको मैं पॉलीथीन में करके रख देती हूँ क्योंकि कोयला आगे मुझे काम आने वाला है। अभी भुट्टे उट्टे का सीज़न आएगा तो भुट्टे सेकने में काम आएंगे, इसलिए इसको रख देती हूँ सेव करके, मतलब सुरक्षित रख देती हूँ। और यहाँ पर मैं पूरा बाहर का काम करके कपड़े भी धुल रहे हैं और मैं आ गई हूँ यहाँ पर पोछा लगाने। तो नहाना तो नहीं है मुझे, अभी हॉस्पिटल जाना है, वहाँ से आने के बाद नहाऊंगी। तो बस ये फटाफट मैं पोछा ओछा लगा लेती हूँ, उसके बाद हॉस्पिटल जाके फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ।
आ गई हूँ लंच की तैयारी करने, तो हॉस्पिटल होके मैं आ गई हूँ। और हॉस्पिटल से आने के बाद तो फिर नहाना ज़रूरी है क्योंकि बहुत तरह के लोग रहते हैं वहाँ पर, और अभी भी ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा ही अच्छा है हमारे लिए। तो बस यहाँ पर मैं दाल छोक लेती हूँ, दाल और चावल बनाने वाली हूँ लंच में, बस हल्का फुल्का ही बनाऊँगी, ज़्यादा कुछ नहीं बनाना है। और मेथी रखी है तो मेथी की रोटी या पराठा जो भी होगा वो बना लूँगी। तो यहाँ पर मैंने मिक्सर में जो है ना टमाटर को ग्राइंड करा ताकि वो बहुत जल्दी से मसाले में घुल जाए। और यहाँ पर मैं राई जीरे से दाल छोकती हूँ। यहाँ पर ये धनिया ख़त्म हो गया था तो धनिया भी निकाला है। जब जल्दी रहती है ना उस समय सारे मसाले ख़त्म हो जाते हैं, ये बात तो है। तो बस यहाँ पर ये फटाफट मैंने दाल भून ली है। और जो बाटी वाली दाल होती है ना उसको तो मैं प्याज से भगाड़ती हूँ, लेकिन जो चावल वाली दाल होती है ना उसको मैं राई जीरे से भगाड़ती हूँ। आप लोग किस तरह से बनाते हो दाल को बताइएगा, क्योंकि हर दाल का बनाने का अलग अलग तरीका रहता है। मतलब अगर दाल चावल से खा रहे हो तो अलग तरह से बनेगी, बाटी से खा रहे हो तो अलग, रोटी से बनेगी तो रोटी से खा रहे हो तो अलग तरह से बनेगी। तो यहाँ पर देखिए दाल का मसाला कितना अच्छा आया है, और ये रेडीमेड मसाला है, मतलब मिर्ची है तो उसका कलर कितना अच्छा आया। अभी मैंने पीसी नहीं है मिर्ची, मुझे पीसना है लाल मिर्ची पर। तो यहाँ पर मैंने ये दाल को मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया था, लहसुन और हल्दी नमक डाल के उसके बाद मैंने डाल दिया है दाल को मसाले में, और इसमें पानी डाल दूँगी ज़रूरत के हिसाब से। और ये दाल बनके तैयार हो चुकी है, कलर देख रहे हैं आप कितना अच्छा आया है इसका, बहुत टेस्टी लगती है इस तरह से दाल बनाते हैं। तो बस यहाँ दाल बन चुकी है, और यहाँ पर मैं आ गई हूँ जो रूम मेरा फैल रहा है। तो ये मेरा शाम का रूटीन है, मतलब शाम का बज रहा है 4 साढ़े 4 बज रहा है। और आज मैंने थोड़ी सी देर ढोलक क्लास अटेंड करी थी तो बस उसकी भी मैंने प्रैक्टिस करी है। और यहाँ पर इन लोग सो गए थे तो ये कम्बल अम्बल रज़ाई वज़ाई यहीं रखी है तो इसको भी मैं पीछे रखे आती हूँ। अब जब से टीवी आया ना, पहले तो टीवी पुराना वाला था तो उसको देखने की इच्छा नहीं होती थी, लोग की कंप्यूटर पे लगे रहते थे, पीसी पे बैठे रहते थे। लेकिन अब आजकल ये टीवी नया वाला ले लिया है ना तो बस यहाँ पर इन लोग बैठ जाते हैं। और वाईफाई का जो फाइबर आया है ना वो इतना अच्छा आया है ना, हमारा एयरटेल वाईफाई का फाइबर बहुत अच्छा है। मतलब इतना स्पीड में नेट चलता है ना कि हम लोग को डिस्क लगवाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर ये शक्कर पीसी थी मैंने अपने हाउ टू मेक बाय गायत्री पे, रेसिपी बना के डाली है वेफ़र्स की, चॉकलेट वेफ़र्स। तो आप देख सकते हो उसको बहुत इजीली आप घर में बना सकते हो, ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, ज़्यादा इंग्रेडिएंट नहीं लगते हैं। और यहाँ पर मैं मिर्ची लेके बैठ गई हूँ पीसने के लिए, तो इसको बहुत दिनों से धूप लग रही है बेचारी को, और शाम रात को घर में आती है और नरम पड़ जाती है, दिन में दोपहर में धूप में रखते हैं और कड़क हो जाती है। तो इस तरह से करते करते इसको 8-10 दिन से ऊपर हो गए मिर्ची को, और आज मैंने पीसी दी है मिर्ची, मैंने कहा चलो पीस लेते हैं। तो मैं वेफर्स की बात कर रही थी कि वेफर्स आप घर में बना सकते हो बहुत ही इजी तरीके से। तो इसकी रेसिपी आप लोग को अभी दोपहर में मिल जाएगी देखने को, इस व्लॉग के बाद ही उसको अपलोड करूंगी मैं 12 बजे तक। पूरा गला वाला सब खराब हो गया, मुझसे सारे काम हो जाते हैं, मेरे से बस वो मिर्ची पीसने का काम है ना वो नहीं होता है। और मुंह धो के एकदम छींक खांसी एकदम हालत खराब हो गई। वैसे तो सभी लोग बाहर पिसवाते हैं लेकिन पहले हम लोग घर में ही पीस लेते थे, लेकिन अब नहीं पीसते बनती मेरे से मिर्ची। पहले तो 8-8, 10-10 किलो जब जॉइंट फैमिली थी ना तब घर में ही पीसते थे, और हम लोग को लगती भी बहुत ज़्यादा मिर्ची थी, मतलब तीखा ज़्यादा खाते थे हम लोग। तो बस अभी मैं मुंह धो के आई हूँ और ऊपर कम्बल सूखने के लिए डाले, कम्बल उतार के लिए आती हूँ, क्या पता सूखे कि सूखे। नहीं आप कहाँ जाओगे? मैं भी ऊपर। और यहाँ पर मैं गराड़ू तलने लग गई हूँ, तो बस अभी शाम का बज रहा है 8 और गराड़ू ही खाएंगे हम लोग। तो दोनों साइड मैंने गराड़ू फ्राई होने के लिए रख दिए ताकि जल्दी जल्दी फ्राई हो जाए, क्योंकि एक को टाइम लगता है फ्राई होने के लिए, फिर दूसरा फ्राई करता जब तक बैठे रहते हैं। तो मैंने दोनों तरफ चला दिया है फ्राई होने के लिए। और कम्बल अभी गीले हैं ब्लैंकेट, तो मैं उनको ऊपर ही रखे हुए, दीदी ने कहा यहीं रख दो, मैं डाल दूँगी आगे गैलरी में तो सूख जाएंगे फटाफट, तो फिर बस ऊपर ही रखवा लिए दीदी ने। और यहाँ पर गराड़ू बहुत टेस्टी हैं, एक बार ज़रूर बना के देखिएगा, अगर आप यहाँ आते हैं गराड़ू आते हैं आप खाते हैं तो आपको पता ही होगा। तो बस आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। कल फिर मिलती हूँ नए व्लॉग में नए रूटीन के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।